संयुक्त किसान मोर्चा वालों 26 जून को 7 महीने पूरे होने ते जिहड़ा देश भर के विच राज भवनां दे घिराओ की कॉल दी गई सीगी, इसी नूं लैके चंडीगढ़ दे विच वी कल भारी इकट्ठ किसानां दा देखण नूं मिलिया। भावें पंजाब तो किसान होन या हरियाणा साइड तो किसान होन, दोनों पासों जिहड़े चंडीगढ़ दे विच हज़ारां की गिनती दे विच किसान आए सी, जिस दे विच काफ़ी सारे किसानी आगू भी सीगे, कुछ गायक भी सीगे ते एक्टिविटीज़ भी सीगे, जिन्हां नूं देखते हुए कल देर रात चंडीगढ़ पुलिस वालों कई आगुआं दे उत्ते परचे भी दर्ज किए गए, जिस दे विच दो पंजाबी गायक जस बाजवा ते सोनिया मान का भी नाम शामिल है। चंडीगढ़ के इसी सैक्टर 17 पुलिस स्टेशन दे विच उन्हां दोनों गायकों के खिलाफ पुलिस वालों मामला दर्ज किया गया कि दोनों वालों जिहड़ा दंगा भड़काया गया ते जिहड़ा सरकारी काम दे विच बाधा पहुँचाई गई है, इस नूं लैके IPC दी कई धारावां इन्हां दोनों के खिलाफ जिहड़ी दर्ज की गई है ते इन्हां दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन हुण जिहड़ी FIR इन्हां दोनों के उत्ते दर्ज की गई है उसनूं लैके कई तरह के सवाल खड़े हो गए ने, क्योंकि ये सवाल भी किसी होर ने नहीं बल्कि ये दोनों ही गायकों वालों चके गए ने कि तो चंडीगढ़ पहुँचे ही नहीं सी ते इन्हां दे खिलाफ किस तरीके का जिहड़ा मामला वह चंडीगढ़ पुलिस वालों दर्ज किया गया है। दरअसल इन्हां दोनों वालों ये कहा गया है कि कल चंडीगढ़ आए ही नहीं बल्कि इन्हां कल प्रोटेस्ट के पंचकूला जिहड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है जिस दे विच भारतीय किसान यूनियन हरियाणा दे प्रधान जिहड़े गुरनाम सिंह चढ़ूनी है उन्होंने नाल नाडा साहब गुरुद्वारे विखे इन्हों वालों जिहड़ा एक प्रोटेस्ट किया गया उस दे विच शामिल सीगे, वो चंडीगढ़ आए ही नहीं तो इन्हों के उत्ते चंडीगढ़ दे विच FIR किवें दर्ज हो गई, इस नूं लैके हुण इन्हों वालों जिहड़ा विरोध भी जताया जा रहा है ते दैनिक सवेरा वालों भी जिहड़ी है सोनिया मान नाल इस मुतलक गलबात की गई है। तुसीं सब तो पहला वो गलबात सुनो ते सुनो कि किवें सोनिया मान अपने खिलाफ हुई इस FIR नू लेके विरोध जता रही है। हाँ जी सोनिया जी, तुहाडा दैनिक सवेरा ते स्वागत है। हाँ जी सोनिया जी, कि तुहाडे खिलाफ कल एक FIR लॉन्च की गई है चंडीगढ़ सेक्टर 17 दे विच कि तुसीं दंगा भड़काया है, सरकारी काम दे विच बाधा पहुंचाई है, कि तुसीं कल चंडीगढ़ आए सीगे? बेसिकली मैं चंडीगढ़ एंटर नहीं की, कल मैं मोहाली जरूर गई सी, पहलो मोहाली तो बाद मैं नाडा साहब गुरुद्वारा साहब गई सी जिथो हरियाणे वाले ने चल के आना सी, मैं उत्थे गई सी कि ट्रैक्टर नहीं लेके जाने, आप पद यात्रा पीसफुल करनी है और एक उलंघना नहीं करनी रूल्स की, सो मैं हरियाणे वाले के नाल 5 किलोमीटर तोड़ के नाडा साहब गुरुद्वारे तो पंचकूला आई सी और सारे नु पता है हरियाणे वाले इस गल के सबूत और उसे बहुत सारे चैनल्स ने इंटरव्यूज भी लिखिया सी, जस बाजवा भी उत्थे सी, मैं भी उत्थे सी, सो असी तो चंडीगढ़ एंटर नहीं की, जी FIR की गई है बेबुनियादी की गई है, झूठे इल्जाम लाए गए ने। बाकी मैं एक गल कहना चाहनी हाँ गवर्नमेंट नु भी यह झूठे इल्जाम ना लाओ, बाकी सानू FIR तो कोई डर नहीं लगता बट झूठिया गल्ला नहीं करनिया चाहिए, असी किसानों की आवाज बुलंद करते रहेंगे और किसानों वास्ते गल करते रहेंगे, बाकी असी कोई बैरीकेड्स नहीं तोड़े ना ही असी चंडीगढ़ एंटर किए हैं। देखो जी ए खिलाफ सुजुक किसान मोर्चा जिन्ना लीडर्स कदम चुकणगे, साडी जनता कदम चुकूगी, किसान साडे नाल ने और जो झूठ है वो झूठ है, सीधी जी गल है और मैं तो यही कहना चाहूंगी, बाकी हरियाणा वाले नूं पुछ सकदे हो, तुसीं हरियाणी लीडर्स नूं पुछ सकदे हो कि सोनिया मान जस बाजवा किस टाइम ते कित्थे सीगे। ठीक है सोनिया जी।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਨਬਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਬਾਈਲ 84374 94648 84374 94648